कभी भी मतलब हिम्मत मत हारो, जहाँ पे आप हो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तो गांव से हूँ, मुझे किताबें नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ मौजूद हुए इस समारोह में। मेरा चयन भारतीय इंडियन आर्मी में हुआ है एज अ पायलट। तो मैं एक साल बाद जो ऊपर हेलीकॉप्टर होते हैं गाँव से सफर मुश्किल था, मैं नहीं कहूँगी आसान था, मुश्किल बनी नहीं। ऐसा लगता था कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि ऐसे आर्मी के लिए CDS की परीक्षा दे दो, अभी उम्र है तो दे दो तो अच्छा रहेगा। तो वो सोच के मैंने परीक्षा दी, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय था, मेरे पास सिर्फ 3 महीने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने 3 महीने कोविड के टाइम पे घर पे ही बैठ के अपने ही इंटरनेट से सोर्सेज से काफ़ी कोई किताब वगैरह कोई पुराने सीनियर्स का गाइडेंस लेके मैंने परीक्षा की तैयारी की। तो 3 महीने जब मैं तैयारी करी तो मुझे याद है कि मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सुबह थोड़ा बहुत फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पीटी वगैरह के लिए बाहर निकलती थी, दौड़ के लिए बाहर निकलती थी, शाम को कभी कभी निकलती थी। लेकिन उसके अलावा मुझे याद है कि मैं धूप नहीं देखती थी। मतलब ऐसे ऐसे दिन थे कि मैंने बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता था क्या चल रहा था। फिर एग्ज़ाम आया, थोड़ा डर था, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो अच्छा लगा। फिर आगे इंटरव्यू की बारी आई तो ऐसे मन में शंका थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा था कि होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो ना हो मेरे को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो मैंने मेहनत अपनी जारी रखी और इंटरव्यू के लिए अपील हुई और भगवान की दया से पहली बार में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके तुरंत बाद मेरा मेडिकल था, तो मेडिकल के बारे में भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं, कैसे होता है, बट वो भी निकल गया मेरा। तो चलते चलते जब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपनी मतलब आगे के स्टेप पे फोकस किया तो निकलते निकलते सारे टेस्ट क्लियर होते गए मेरे। और फाइनली टाइम आ गया कि अब बस अकेडमी जाना है। अकेडमी में लाइफ कठिन थी, मुश्किल थी। हम लोग सिर्फ 4-4 घंटा ही सो पाते थे, हर दिन हम सिर्फ 4 घंटा सोते थे। अभी आप लोग देख रहे हो मेरे को अभी भी नींद आ रही थोड़ी, क्योंकि हम लोग बहुत कम सोते हैं अकेडमी में। कभी कभी ऐसे दिन होते कि आप सो नहीं सकते, कभी कभी सिर्फ 3 घंटा, और अगर संडे आया तो आपको 5 घंटे का सोने को मिलता है। तो हम वेट करते थे कि कब संडे आएगा हम सो पाएंगे, अदरवाइज सो नहीं पाते। खाने को आपको 2 मिनट का समय मिलता है, सिर्फ 2 मिनट, तो आप मेस जाओगे, आप खाने की प्लेट उठाओगे, सीनियर आएगा वहाँ से कहेगा मेस आउट, फिर आप बाहर भाग जाना है। आपको 2 मिनट में आप खा पाए तो खा पाए, नहीं खा पाए तो नहीं खा पाए। तो और ट्रेनिंग PT वगैरह होती थी हमारी, फायरिंग होती थी, हमें बंदूक चलाना सिखाया जाता है, हमें रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह अन्य वेपन्स पे ट्रेन किया जाता है, हमें बाहर विजिट्स के लिए ले जाया जाता है, हमें कैंप्स कराए जाते हैं। हम जंगलों में, जब आप लोग सो रहे होते हैं तो हम जंगलों में भटक रहे होते हैं, इधर उधर सोच रहे होते हैं क्या कर रहे होंगे पेरेंट्स, क्या कर रहे होंगे। कभी कभी तो ऐसे 6-7 दिन के कैंप्स होते हैं हमारे, उसमें हमें जंगलों में घूमना होता है, भटकना होता है, वहाँ सांप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, डर भी लगता है। बट जब आपके दोस्त आपके साथ हों, आपके घोस्टमेट्स आपके साथ हों, तो फिर वो डर नहीं रहता है। बाकी हमारे एंड्योरेंस रन होते हैं, 40-40 किलोमीटर हम रात भर भागते हैं, 12 घंटों में हमें कंप्लीट करना होता है। वो 40-70 किलोमीटर भी बन जाता है, हमारा 40-70 किलोमीटर बन गया था, खुद नेविगेट करना होता है। तो वो 70-70 किलोमीटर जब आप रात भर में ट्रैवल करते हो अपने पैरों पे, और जब आपके पीछे 20 किलो या 30 किलो का वेट होता है, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। और उस समय सिर्फ आपके घर वाले, आपके परिवार वाले ही मतलब याद आते हैं आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब ये कर सकते हैं, मतलब सबके लिए ये मुमकिन है। जैसे मेरे पापा ने किया, उनका ही मेरा मोटिवेशन रहा है, क्योंकि मैं सुनती थी कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, दादी जी उनको ज़्यादा पढ़ने नहीं देती थी, तो
वो जब वो कर सकते हैं और वो मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं तो कोई भी मेरे उसमें लगता है कि कोई भी कर सकता है। तो कभी भी मतलब हिम्मत मत हारो जहाँ पे आप हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तो गांव से हूँ, मुझे किताबें नहीं हैं। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। आप किसी से भी बात करो, आप मेरी मदद ले सकते हो। कितने सारे लोग हैं, आप किसी की भी मदद ले सकते हो। आपको किताबें मिल जाएंगी, फ़ोन में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप कभी ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।